दिस टीचर इज सर आर यू रेजोनेटिंग विद मी मीन्स 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 जुड़ रहे हो आप जुड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इमोशनली अटैच हो रहे हो क्या बोलना है हाउ आई जब ये बात बोलोगी ना सो के उठते जब उठ के बोलोगी ना तो जितने भी आपकी स्टोरीज है ना बैग में जो भी आप पापा मम्मी जितनी भी स्टोरीज आपने यहाँ रखे हैं वो स्टोरी सब रिलेट हो जाएंगे बस आपको बोलना है हाउ This is a room, right? So, this is a gratitude. Okay? So, motivation gets you started, but habits keeps you going. I get on this one. Okay? So, this is all about this one. Now, I'm going to express and I'm going to share a wonderful story that will resonate with you. जो आपके साथ अभी resonate करेगा, ये सबका story है. आदमी स्टोरी से एंगेज होता है ठीक है हमें ये आदमी सबने नोट कर लिया अब हमने बी देखा है स्टोरी ऑफ अ बी बी कैसे बनाते हैं ऐसे देखो ऐसे होता है ना बी एक घर का एक घर है 5 करोड़ का कोई बी घुस जाता है और घुसने पर कैसे करता है कोशिश कर रही थी कि मुझे निकलना है फंस गई अब निकलेगी कैसे अब निकलेगी कैसे वो निकलने की कोशिश बेटा यू थिंकिंग समथिंग दिमाग है इधर ही पूछ लिया क्या चल रहा अभी अभी मेरे साथ सब हो जाएगा ठीक हो जाएगा रुको जी हाँ वो निकलना चाह रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है क्यों नहीं निकल पा रही है मालूम है वो जब भी जा रही है ना जैसे जाती है वो कांच पे पंग 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 होता है ना टन 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 सर फोड़ दिए कोशिश कर दिए सर फोड़ दिए ठीक है कोशिश Pang pang bolo to pang pang pang. Yes, your life is also going like this. Pang pang pang. Ah, pang 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 kariyo. Bolo bolo. Pang 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 pang. And ultimately, pang 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 karte karte. मालूम ही नहीं है कि मेरा रास्ता किधर है आपका डायरेक्शन किधर है
इससे की टेकअवेज क्या मिल रहा है, कुछ टेकअवेज क्या मिल रहा है, आप क्या समझ रहे इससे, कैन एनीबॉडी शेयर, क्या पता चला वीक स्टोरी सबको, क्या पता चला आप अपने से रिजल्ट कर पा रही हो ना, क्या पता चला बताओ, शेयर करो। अगर कोई एक बार में नहीं हो रहा है तो थोड़ा वे और देखो कि कई और से रास्ता मिले। आप कोशिश करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो, ये ठीक हो गई है। वर्क हार्ड बेटा, टीचर वर्क हार्ड, व्हाई यू आर नॉट स्कोरिंग 700, व्हाई यू आर नॉट डूइंग, पापा अलग, मम्मी अलग, भाई अलग, रिलेटिव अलग, आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, इन स्पाइट ऑफ डूइंग योर मेहनत and also you are not able to check out the way, figure out the way where you should enter and get the selection. बोलते हैं ना work hard work hard, but you are doing the work hard. You daily are doing work hard. At least you are doing, at least 2-3 घंटे तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, कुछ तो कर रहे हो. In spite of that one, you are not able to clear, not able to figure it out. तो ये story सबका है कि work hard करे जा रहे हो, but you not able to do that. So आपको ये door खोजना है. और ये डोर खोजना कैसे है, यहां से इन लोगों से ये बताइए, मैं भी बताऊंगा आपको डोर कैसे खोजना, ठीक है। अच्छा, और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये तो बी का स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी आप हमेशा याद रखना इस चीज को कि जहां एक चीज पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वहां क्यों नहीं हो रहा है, उसको फिगर आउट करना है और रास्ता को मंजिल वही है, एक रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझ रहे हो ना। मंजिल भाई, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सर्व करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको हॉस्पिटल खोलना है, आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, लेकिन आपका रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो रास्ता आपको मरना नहीं है, बस वर्क हार्ड करते करते आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, आपको मालूम है ना क्या करना पड़ेगा, खाली पढ़ने से होता है, इसके अलावा क्या करना पड़ता है, क्या डायरेक्शन, क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, स्टडीज हो रहे हैं, स्टडीज के अलावा कुछ और हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा चीज जिसको पता चले कि डायरेक्शन कहाँ मिले मेरे को। आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, आप करते हो, आप लोग कितना लेते हो, एक भी नहीं लेते होंगे, बिकॉज दिस इज द मूल मंत्र, आई गेस दिस इज द मूल मंत्र ऑफ गेटिंग और गेटिंग सेलेक्टेड इन योर नीट एग्जामिनेशन, एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज आई ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, एंड आई नो इफ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू गो थ्रू दिस वे, only by just reading after at night 10 PM 12 PM 1 PM कितने देर तक पढ़ी, 1 बजे तक पढ़ी, वाह 1 बजे तक पढ़ी, सुबह उठी कितने बजे, 9 बजे तक सो रही है, that is not going to give you a selection because you lack in discipline, lack in punctuality, आप दिमाग में जो भी भर लो खाली इंफॉर्मेशन भर लो, आप प्रैक्टिकल कहाँ कर, थ्योरी का सिर्फ थ्योरी हो रहा है, आपको वो प्रैक्टिकल करना है, जितना समय है उसमें प्रैक्टिकल करो, एक्शन लेना है उसमें, लेकिन वो आप करेंगे, आप टाइम पे सो भैया बोलो, टाइम पे 10 बजे सो, आप सुबह उठो 3 बजे, वाई नॉट दैट डिसिप्लिन, इफ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड, आपको मम्मी पापा का सपना पूरा करना है ना, जो स्टोरीज आप लोगों ने शेयर किए वो है ना, वो पर्पज है ना, तो उसके लिए आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे वो करना पड़ेगा, जो ये लोग बता रहे हैं सर मैडम लोग बता रहे हैं, क्या तरीका है, ये लोग करके बैठे हुए ना, आपको दर्द पैर में है, अगर डॉक्टर सर का दवा दे रहे तो आपको क्या लगेगा, पागल है ना, आपको 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 वकील, आपको कुछ केस मुकदमा जाना है, क्या डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो, आपको अगर कुछ आगे बढ़ना है तो आप किसके पास जाओगे, गुरु के पास, तो गुरु कौन है, तो इन्होंने क्या रिजल्ट लेके रखा होगा ना, तो ये आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, पड़ोसी वाला चौधरी चाचा गाइड कर सकते हैं, so you have to go through this and whatever they are saying just write it down, note it down, ठीक है, चलो इतना हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ो।